जी कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जय भोले बाबा की। तो आज हो रहे हमारे घर पे भजन और मैं हूँ मीनू नागर। एक बार फिर से आप सबका हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करा रहे हैं भोले बाबा के भजन। जैसे कि आप सबको पता है सावन चल रहा है और हमारे घर से गए हैं कांवर लेने के लिए। तो जिनके घर से कांवर लेने के लिए गए हैं उनके घर आज सभी के घर पे भजन हो रहे हैं और पूरे मोहल्ले में ये लगा लो आज ही के दिन भजन करा रही हैं सभी। तो कम से कम 15-20 घरों में भजन गाए और 5-5 भजन सबके घर कराए। तो यही था, सबको कराने थे। तो अभी यहाँ पे हम गा रहे हैं भजन और अभी कुछ लेडी से आई नहीं है तो इसलिए हमने गाने स्टार्ट कर दिए 4-5 थे हम, क्योंकि आज सभी के घरों में भजन है। तो वही है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हमें इंतज़ार करते करते 10:30 बज गए। फिर 10:30 बजे हमारी छोटी मम्मी आ गई और हमारी पड़ोसी वो आ गई थी। तो अभी हमारे यहाँ पर भजन स्टार्ट हो चुके हैं और इन्जॉय कीजिए आप भी, अच्छे अच्छे भजन सुनिए भोले बाबा के। Thank you.
तो जी यहाँ पे चल रहे भजन, और कैसे लगे आपको हमारे भजन जो हमने गाए भोले बाबा के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी करते हैं इनके लिए नाश्ते पानी का जुगाड़ जो हमारे भजन करने के लिए आई हैं। आ चुके हैं मंदिर पर, अब उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं घर से। तो जी मैं सुबह उठी 4 बजे, और उठते ही सबसे पहले मैंने सारा घर का काम किया। तीनों बहन ने मिल गया, और नेहा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो नेहा भी नहीं आई मेरे साथ, बच्चों को देखना था, मनीषा भी नहीं आई, इसलिए तो मैं ही अकेली आई थी। और चाची थी वो आई थी हमारे साथ में। तो सुबह 4 बजे उठी और अपने मंदिर गई, देवता नहाए, उसके बाद वैसे मंदिर से लेके आते हैं और फिर घर आकर, तो मैं उनको लेने के लिए चली गई। कोई मतलब जितनी भी हमारी चाची थी और सारी लेडीज थी, सब गए थे, सब अपने अपने घर से कावड़ियों को लेने के लिए गए। तो भी उसके बाद भंडारे का इंतजाम किया गया, जो कांवरिया थे उनके लिए भंडारे का इंतजाम कर रखा है। और यहाँ पे जितने भी सब थे, बच्चे बड़े छोटे, जो कांवरियों को लेने के लिए गए थे, उनके सबके लिए प्रसाद दिया, उनको सबको प्रसाद दिया। और प्रसाद में केला, दूध और मिठाई थी, और खीर बनी हुई थी, बहुत टेस्टी खीर हुई थी। भंडारे की खीर का तो आपको पता ही है, कोई जवाब ही नहीं होता। और सारी चीज़ें थी यहाँ पे, पकौड़ी बनाई हमने, मतलब जितनी भी लेडीज़ थी सभी ने मिलकर
पकौड़ियाँ बनवाई, क्योंकि हलवाई नहीं मिला था तो मंदिर पर बड़ा वाला चूल्हा मंगवाकर और सभी ने मिलकर वहाँ पे पकौड़े बनाए, प्याज के, सॉरी प्याज नहीं, आलू के और पनीर के। खुश हो गई है, मुंह भी बना रहा करो ने कोरे का तई बा कर दे पापा के, देख रही हूं कर बा कर दो, बा दो कौन रह गए भाई के देगा ना इनके दो फोन नंबर कर नहीं है ना देख के लाइब्रेरी में एक बार तो ना सुन लग गिड़े रे बड़े इन बोलो ना मैं तो खड़ी करने को बता रही, मैं तो आरती करने के लिए ना और दे देना अरे कौन का फोन दिया ये क्या है, अरे ये क्या ये रंग कर ले इधर खैरा आ जा तो गाइस क्या ही दिन हो गए, बच्चे ने कभी ग्यार कभी टिंडे और कभी अरबी और कभी भिंडी और कभी करेला और कभी पेठा और कभी तोरी और कभी लगा दी टिंडे और मिंडे खाते खाते, तो आज बच्चे ने पकड़ ली जिद और यूँ कह दी मम्मी आज तो पनीर खाएंगे। अब बताओ दीदी पनीर बनाना पड़ रहा है, नहीं तो यूँ सोचे हैं कभी डाइट पर हैं, कभी कभी तो ये सोचती हैं कि रोज बनाओ टिंडे और बटिंडे। तो हम डाइट पे चल रहे हैं बीबी, हमारी कौन डाइट होम दे रहा है, और पता नहीं क्या कहते हैं, अब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ गाइस, तो पता नहीं क्या कहते हैं, सबके बच्चे आलू पसंद करते हैं लेकिन हमारे बच्चे तो आलू भी पसंद नहीं करते पसंद ये अलग से उतरेंगे गाइस इन आलू की सब्जी पसंद है। तो गाइस आ जाओ, आपके लिए इनविटेशन है ओनली पनीर की सब्जी और उसके साथ सिंपल प्लेन वाली रोटी, नान रोटी बना ले नान रोटी बना लो, लेकिन बाजार से कलौंजी और धनिया और जब ला के जब बना, ठीक है ठीक है, कलौंजी हरा धनिया वहाँ डाल के जब रोटी बना नॉर्मल, ठीक है ओके। तो कहीं पनीर तो कट चुका है हमारा और अब दीदी गई है, दीदी मटर भी आई, पनीर पनीर आया हो है। तो शाही पनीर कैंसिल हुआ, फिर हमने शुरू कर दिया कढ़ाई पनीर बनाना। तो अभी मैंने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए तैयारी कर दी शुरू, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च काट के तैयार कर ली है। तो जी हमारी सब्जी तो कट के तैयार हो चुकी है, मैंने शिमला मिर्च प्याज और टमाटर काट के रख लिए थे, उसके बाद मैंने पनीर काट लिया था और पनीर में मैंने यहाँ पे रेड वाली मिर्च डाल दी पिसी हुई, लाल मिर्च, धनिया, जो भी हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे मसाले मैंने इसी में ऐड कर दिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे हम, तो सारी चीज़ें इसमें, थोड़ा पनीर मसाला डाला और उसके बाद इसमें मैंने एक कटोरी के करीब दही डाल दी और दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें डाल करके। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से, जो भी हमारे सारे बेसिक से मसाले हैं वो बारी बारी मैंने इसमें डाल दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। हाँ सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, हर तरीके से। सो मैं आज कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ बिल्कुल। तो मैंने इसमें दही डाल दिया और दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उधर मैंने गैस पर चढ़ा दी कढ़ाई, दिखाती हूँ आपको।
तो कढ़ाई में मैंने डाल दिए प्याज, तेल चढ़ाया है। तेल चढ़ाने के बाद मैंने इसमें प्याज फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। जब हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई तो उसके बाद डाल दिए मैंने इसमें शिमला मिर्च, जो हमारी शिमला मिर्च कटी हुई रखी है, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो भाई ये देख सकते हो, जो हमारे दही मसाले पनीर थे वो मैंने सारे एक साथ मिक्स करे, और मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिए कढ़ाई में, और ये बन चुका है हमारा कढ़ाई पनीर। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। और जब भी हमारे घर में शिमला मिर्च आती है तो मैं यही दो काम करती हूँ, या तो उनको भरवा शिमला मिर्च बना देती हूँ या फिर उनका कढ़ाई पनीर बना देती हूँ। तो ये सब्ज़ी बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मैंने प्लेट लगा ली है, तवा की करारी करारी रोटी है, और ये देखो प्याज की और टमाटर की चटनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, लाल मिर्च, मतलब दो तीन तरह के मसाले ऐड करे। और ये जो हमारी प्याज और टमाटर है ना, इनको अच्छे से मैंने पहले कढ़ाई में भून लिया और उसके बाद मैंने इनको सिलबट्टे पर पीसा। तो वाओ, कितनी टेस्टी हमारी प्याज की चटनी बनकर तैयार हो गई है, और ये कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। और आप सब भी आ जाइए, ये प्लेट आज आपके लिए लगी है, तो आप भी आ जाइए। और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यही एंड, और मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और व्लॉग्स थोड़े थोड़े लेट हो रहे हैं, अभी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी डालूँ, थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय।